नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून है, बुधवार का दिन है और आज ही के दिन हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। जिस कोरोना दवा का आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो अब 7 दिनों में ही आपको घर बैठे मिलेगी। वो कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले आप इस वीडियो में देखेंगे कि भारत चीन की हुई बैठक में चीन ने भारत से क्या कहा और सुशांत के वीडियोस शेयर किए जाने पर आखिर क्यों भड़की है एक्ट्रेस। तो वहीं नेपोटिज्म के शिकार हो रहे बी टाउन के किन स्टार्स ने अपनाया ये नया फॉर्मूला कि कमेंट सेक्शन पर ही लगा दी रोक। लेकिन इन सभी खबरों को जानने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं फिर हमारी पहली खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत चीन की तनातनी के बीच आए दिन बातचीत कर माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही बैठक हाल फिलहाल में हुई जिसमें दोनों ही देशों के बीच लेफ्टिनेंट कमांडर स्तर के अधिकारियों की बातचीत हुई और ये बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। बैठक में दोनों देशों ने जवानों की वापसी करने को लेकर आपसी सहमति जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं ईस्टर्न लद्दाख से पीछे हटने को तैयार हो गई है और पूर्वी लद्दाख के इलाके से सेना वापस बुलाए जाने को लेकर पूरी डिटेल पर चर्चा हुई और दोनों देशों की सेनाएं इस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कमांडर स्तर की ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल के चीनी बॉर्डर के तहत आने वाले मोल्डो इलाके में हुई है। तो वहीं अब भारत की एक और कंपनी, या कहें आयुर्वेद कंपनी, ने कोरोना की दवा की खोज कर ली है और ये दवा लॉन्च की है बाबा रामदेव ने। जी हाँ, सही सुना आपने, योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस महामारी को मात देने वाली दवा तैयार कर ली है। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही ये भी कहा कि हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई को हमने तैयार कर लिया है। इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम कोरोनिल है। खास बात यह है कि इस दवाई को आप घर बैठे ऑर्डर मी ऐप के जरिए भी मंगवा सकेंगे। हालांकि ऐप को अगले सप्ताह लॉन्च किया जाएगा। वहीं पतंजलि सीईओ यानी कि बालकृष्ण की माने तो इस दवा को गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वसारी रस और अनु तेल से मिलकर बनाया गया है। दवा का सेवन दिन में 2 बार सुबह और शाम को किया जा सकता है। उनके मुताबिक सैकड़ों पॉजिटिव मरीजों पर इस दवा की क्लिनिकल केस स्टडी हुई जिसमें 100% नतीजे मिले हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,933 मामले सामने आने के बाद भारत में यह आंकड़ा 4,41,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि 2,48,629 लोग इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि अब तक का रिकवरी रेट 56.37% चल रहा है, जबकि 14,028 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए सऊदी अरब ने हज पर बड़ा फैसला लिया है। इस बार केवल सऊदी में रहने वाले लोग ही यात्रा कर सकेंगे, विदेशियों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में ही लोगों को हज करने की अनुमति मिलेगी। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद भारत के 2.13 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल हज यात्रा 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी थी। तो वहीं अमेरिका ने आज फिर भारत को एक और झटका दे दिया है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका में फंसे लोग वंदे मातरम मिशन के तहत स्वदेश नहीं आ पाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने नियमों के उल्लंघन और अनुचित तरीकों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। अमेरिकी विमानों को चार्टर्ड फ्लाइट की मंजूरी नहीं दिए जाने की वजह से अमेरिका ने फैसला लिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि इंडो यूएस रूट पर 22 जून से एयर इंडिया को चार्टर्ड फ्लाइट की इजाजत नहीं होगी। स्पेशल केस में डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इजाजत लेनी होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने बॉलीवुड गलियारों में अलग ही बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। करण जौहर के साथ साथ बी टाउन के सभी स्टार किड्स को घेरे में लिया जा रहा है। ऐसे में फालतू के कमेंट से बचने के लिए अब इन स्टार्स ने एक नया फॉर्मूला अपना लिया है और वो फॉर्मूला है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन आम लोगों के लिए लॉक कर देना। यानी कि अब कोई भी ऐसे ही इन स्टार्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकेगा। इनमें करण जौहर और उनकी कैंप से जुड़ी आलिया भट्ट,
करीना कपूर, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान शामिल है। अब इन सेलेब्स की पोस्ट पर सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही कमेंट कर सकेंगे। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तान के लेग स्पिनर शादाब खान, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज हैदर अली को कोरोना वायरस हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम को रविवार को इंग्लैंड दौरे पर रवाना होना था और उससे पहले सभी खिलाड़ियों की कोरोना जांच की गई, जिसमें उसके 3 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। बता दें पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे के लिए 29 सदस्यीय टीम चुनी है और अब इसमें से 3 खिलाड़ी शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ कोरोना पीड़ित हो गए हैं। अब इन तीनों खिलाड़ियों का इंग्लैंड जाना नामुमकिन है क्योंकि अब इन खिलाड़ियों का पाकिस्तान में ही इलाज होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।